हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना। चलो तो आज जो हमारा एपी का सेकंड लेक्चर है और आप लोग थंबनेल में देख लिया होगा ना, nth टर्म वगैरह के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, तो nth टर्म, जनरल टर्म, आर्थ टर्म, आप लोग जो भी कहते हो, एक्स वाई जेड वगैरह, ठीक है, तो वो जो वही समझे आप, आर्थ टर्म, nth टर्म, जनरल टर्म, लास्ट टर्म, है ना, सारी चीजें सब सेम ही है। वैसे फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन, एन एन वाला ना, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, है ना। तो है ना, इसके पहले जो लेक्चर नंबर वन अपना कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर वन में मैंने बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट ना, एकदम बेसिक से ना, आपको पूरा ना एपी जीपी क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है, सब मैंने समझा रखा था उसमें, ठीक है। और आज जो है सेकंड लेक्चर है, तो बिना पहले लेक्चर के सेकंड लेक्चर की उम्मीद करना थोड़ा गलत होगा। स्टिल मेरी कोशिश तो यही रहेगी ना कि आपको अगर पहले लेक्चर ना भी देखो तब भी आपको ये समझ में आए। चलिए, बेटर रहेगा, बेटर ये रहेगा कि आप जो है कंप्लीट एक बार करके ही हैं, ठीक है सर। तो चलिए शुरू करते हैं मन, है ना, बिना किसी देरी के। तो फटाफट से एक एनसीईआरटी नोटबुक पेन जो है लेके बैठ जाओ और हेडिंग लगा लो मेरे साथ यार, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु जी का नाम, एंड दैट विल बी सर जनरल अपियरेंस। मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, अपियरेंस, आर ए एन, पता नहीं भाड़ में लिंग है ना, ना? अंग्रेजी में कुछ ना रखा है ना, जब सवाल आए तब बात करेंगे अपन, ठीक है सर। जनरल अपीयरेंस की बात करते हैं, ठीक है। ऐसी स्पेलिंग लिखते ही क्यों हो जिसकी स्पेलिंग तुम्हें आती ना हो, अब क्या करूँ, बोल दिया लिखना पड़ेगा ना, ऐसे बीच में छोड़ भी नहीं सकते, बेइज्जती अलग हो जाएगी। देखो एपी का जनरल अपीयरेंस जो है, तो मजाक मस्ती साइड हट के जो है शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए एक एपी का जनरल अपीयरेंस मेरे साथ जो है शुरू करें, पहला याद होगा आपने ए लिखा था, ए के बाद अगला टर्म आता है ए प्लस डी, उसके बाद आता है ए प्लस टू डी, एंड देयर आफ्टर ए प्लस थ्री डी, और ऐसे ही सो ऑन करें तो ए प्लस चार डी, ए प्लस पांच डी, और ऐसे कहां तक जाएगा, ऐसे जो चलता चला जाएगा, चलता चलेगा, है ना, चलता चले जाएगा। तो इसके बाद काम की चीजें ऑब्जर्व करना अगर हम स्टार्ट करें, देखो यहां से होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या ये हमारा पहला टर्म है और ये जो है हमारा दूसरा टर्म है, इसे हम तीसरा टर्म कहेंगे, ये हमारा चौथा टर्म है, भैया जी पांचवा टर्म है और ये है छठा टर्म, और ऐसे ही आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो इसमें देखिए काम की ना कुल मिला जुला के बातें ये हैं कि छठे टर्म के अंदर आप डी का कोफिशियंट देखेंगे तो ये पांच है, छठे टर्म सिक्स में फाइव है, चौथे टर्म के अंदर पांच है, दिख रहा है, पांच से एक कम है, चौथे वाले टर्म के अंदर ये तीन है, दिख रहा है, और तीसरे में ये देखो दो हो जाएगा, दूसरे में देखो ये वन हो जाएगा, है ना, तीर उल्टा कर दिया मैंने, दूसरे में वन, चौथे में देखो इसको ऐसा करो थोड़ा सा ना, नाइस। तो ये हो गया हमारा टोटल सॉल्यूशन, छठे में पांच हो गया, है ना। ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या दिखा रहा है, वन में देखो जीरो हो गया, जीरो कुछ है ही नहीं, तो ऑब्जर्वेशन हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी हमारा नंबर ऑफ टर्म उससे एक कम, माइनस वन, क्या करना है हमें, माइनस वन करना है, छह माइनस वन पांच हो जाएगा, पांच माइनस वन चार हो जाएगा, चार माइनस वन थ्री होगा, थ्री माइनस वन टू, टू माइनस वन वन हो जाएगा, माइनस वन करने से हमारा काम बन रहा है सर। तो इस अपीयरेंस के बाद क्या हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर हमें सेवनटींथ टर्म निकालना है तो क्या ये ए प्लस एक नंबर कम कर दूंगा सत्रह में से, तो क्या सिक्सटीन आ जाएगा, यही कर रहा है ना, एक नंबर कम करना है, सेवनटीन माइनस वन डी, बात समझ में आ रही है। ट्वेंटी फर्स्ट टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस इसमें से एक कम कर देंगे, ट्वेंटी वन माइनस वन डी, क्लियर। 25th टर्म निकालना है क्या हो जाएगा, a प्लस 25 माइनस 1d, आसान। तो ऐसे ही समझिए कि अगर इस चीज को हम कंटिन्यू करते हैं ना, इसे हम nth टर्म तक लेके जा रहे हैं, तो क्या इसका जो nth टर्म होगा वो ये नहीं होगा a प्लस n माइनस 1 इन टू डी। ये है हमारा पहला फार्मूला, क्या है ये फार्मूला, इसको जो है फार्मूला कहते हैं बबुआ। देखो ये पहला फार्मूला है, फार्मूला ही बता रहा है कि जो भी नंबर ऑफ टर्म है उसे एक कम कर दीजिए आपको, हम इंटू डी, 21 में ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, 25वें टर्म में 25 माइनस 1 इंटू डी, तो भैया जी nthवें टर्म में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बड़ी सरल थी, समझ आई नहीं आई, ठीक है। तो
तो ऐसे अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन से आपको मालूम पड़ेगा कि इसका जो nth टर्म होगा वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। अब इसमें जो है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की अगर हम बात करें कि सर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो है an, an की जगह पे आप tn भी कई जगह लिखा हो कई किताबों में ना। अच्छा, इसे जो है l भी लिखा जाता है कई जगह पे ना। क्या मतलब होता है? ये आपका होता है लास्ट टर्म, या फिर आप जो इसे nth टर्म भी कह सकते हैं। क्लियर? a रिप्रेजेंट करता है हमारा फर्स्ट टर्म, d रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉमन डिफरेंस। सब छापते रहना। और क्या है? n, हाँ n है ना, n, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स। n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ, यहां तक हो गया है तो एक सीधी सी लाइन बना देंगे, और मैंने जितना सीधा कहा उतना टेढ़ा लाइन बनाया मैंने। चलो ठीक है, बना दी मैंने सीधी लाइन बना दी। ठीक है, तुम बड़े खुश होते होंगे ना, सर ने सीधा बोला, सीधा बना नहीं पाए, सर आपसे एक सीधी लाइन नहीं खींची जा रही। चलो भैया जी, हम खींच दिए एक तो सीधी लाइन है ना। अब देखो आगे क्या करना है। तो आगे ही करना है, जब फॉर्मूला वगैरह डिराइव कर ही लिए हैं तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे कैसे उसका इस्तेमाल किए जाएंगे ना, ठीक है, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलो मैं जो है क्वेश्चंस के साथ में हम स्टार्ट करते हैं, और इसी के साथ रहेगा हमारा पहला क्वेश्चन, क्या इस्तेमाल होता है इसका, ये ना फॉर्मूले का अपन देखते हैं। तो लेट्स से हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी, 10th टर्म है ना, क्या फाइंड आउट करना है। ये है आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड आउट करना है, फाइंड द 10th टर्म, 10th टर्म ऑफ एपी। एपी क्या है? एपी दे रखा है 2, 7, 12, so on। इसका कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? 10th टर्म फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से कैसे कर पाएंगे अपन। 10th टर्म निकालने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, सबसे पहले आप देखिए इसको, यानी a, तो हमें मालूम पड़ा कि भैया जी a जो है 2 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 7 माइनस 2, और ये आपको आंसर मिल जाएगा 5, तो कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करो, कितने टर्म है भैया जी, 10 टर्म का सम निकालना, 10 टर्म निकालना है, 10th टर्म, n इज इक्वल टू 10 रख देंगे। फाइंड आउट क्या करना है, a 10 की वैल्यू निकालनी है, a 10 मतलब 10वां टर्म क्या होगा। समझ गए मेरी बातों को? चलो फटाफट से देरी जगह फॉर्म लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे ए, जहां जहां एन है दुनिया में वहां वहां एन की जगह का 10 रख दो, तो ए 10 इज इक्वल टू ए की जगह पे 2 रखेंगे, एन माइनस वन की जगह पे 10 माइनस वन कर देंगे, और कॉमन डिफरेंस जो है आपका, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रख दीजिए यहाँ पे। तो यहां से आपको मिलेगा ए 10 इज इक्वल टू है ना 2 प्लस 10 माइनस 1 9, और 9 5 45, तो ई हो जाएगा आपका 10वां टर्म, यहाँ से 47 है ना, 47 हो गया। तो ये हो गया आपका मेथड 1 है ना, मेथड 1। देखो मेथड 2, मेथड 2 क्या होता है, मेथड 2 बताना बहुत 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 आसान होगा। देखो कैसे, शॉर्ट ट्रिक है, बता रहा हूँ ध्यान सुनना, ऐसे हर चैप्टर में आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताते रहूंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको nth टर्म की इक्वेशन लिखनी है डायरेक्टली। nth टर्म का क्या करो, इक्वेशन लिखो। कैसे लिखेंगे सर, nth टर्म का इक्वेशन कैसे बनता है? सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5, तो 5 के साथ में n लगा दो, 5 है, n लगा दिया, 5n हो गया। अब इसमें ऐसा प्लस करो, ऐसा प्लस या माइनस, ऐसा प्लस या माइनस करना है जिससे पहला टर्म 2 आ जाए। भैया जी 5 में क्या जोड़ने पे या घटाने पे 2 आता है, 5 है, 5 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तभी तो 2 आएगा, यानी 5n-3, ये हो गया हमारा n। बात समझ में आई क्या? अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, 10वां टर्म निकालना है, n इज इक्वल टू 10 रखो तो 5 × 10 - 3 हो गया 50 - 3 47 आ गए, 2 लाइन में आंसर आ गया।
ये तो आपको करना है तो मैं करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं यहीं पर रखता था 50 - 3 47 ऐसे ही दिख रहा है। 10 × 5 50 - 3 47 आंसर एक लाइन में आ गया, समझ आई क्या? है ना, तो ये था अपना शॉर्ट ट्रिक, ये था मेथड नंबर टू, समझे? चलो अगला एग्जांपल करते हैं ना, अगला एग्जांपल क्या है हमारे ना, देखो अगला एग्जांपल क्या है। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल विल बी व्हिच टर्म ऑफ द एबी, देखो एग्जांपल नंबर चार और एग्जांपल नंबर फोर इज व्हिच टर्म ऑफ द एपी, टर्म ऑफ द एबी 21, 18, 15, ... is -81। पहला सवाल, प्रथम प्रश्न। अच्छा अगला प्रश्न क्या है सर, इसी के अंदर लिखा हुआ है ऑल्सो, अभी सवाल खत्म ना हुआ है, ऑल्सो इज एनी टर्म, क्या कोई भी टर्म इसमें, इज एनी टर्म जीरो, मतलब ये पूछा है क्या इसका कोई भी टर्म जीरो होगा। अच्छा आगे क्या लिखा है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन तो हम बता देंगे ना, लिखने की जरूरत ना है अपने को। अब देखो आपको सवालों का मतलब समझा रहा हूं, हमारे पास एक एपी दिया है, हमारे पास ठीक है ये दिया है एपी 21, 18, 15 और पूछा है कि क्या इसके अंदर ऐसा कोई टर्म है जो -81 आएगा, कौन से नंबर पे -81 आएगा भैया वो तो बताओ, तुम बता। देखो 21 है 18 कम हो रहा है, कम होते होते भैया माइनस में जाएगा और माइनस में आगे बढ़ते बढ़ते -81 तक भी हो गई, समझे? अब -81 कौन से नंबर पे आएगा, जैसे तुमसे पूछा होता बताओ 15 कौन से नंबर पे आएगा, तो मैं गिन लूंगा 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, 15 तीसरे नंबर पे आ रहा है बता दूंगा। एग्जामिनर बावड़ा थोड़ी है, वो थोड़ी पूछेगा तुमसे बताओ 15, 18 कौन से नंबर पे आ रहा है ना, 18 मेरे गली के बच्चे ऑटो वाला बता देगा तुम्हें, देखे ना 18 दूसरे नंबर पे आ रहा है, समझ रहे हो? ये कैसे है ना 81, जब यहाँ पे है ना बात -81 की आ गई, मान लो तुमसे जो है 12 पूछा था, तो थोड़ी मशक्कत करोगे ना, थोड़ी मेहनत करोगे, तुम्हें 12 मालूम पड़ जाएगा चौथे नंबर पे आ रहा है, लेकिन वही ना -81 पूछे ना तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे ना, तोते उड़ जाएंगे, कैसे बता पाओगे ना? उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं सर, देखिए ध्यान देना सॉल्यूशन स्टार्ट करना, तो फॉर्मूला ये होता है कि हम लिखेंगे यहाँ पे let nth term be -81, हमने मान लिया, पता नहीं है तो क्या करेंगे, मान लेंगे, तो मान लीजिए कि इसका nth term -81 है, इसका मतलब यह है कि इसका nth term हमने माना -81, अब बताओ पहला टर्म कितना है 21 रख दो, कॉमन डिफरेंस कितना है 18 में से 21 माइनस करना तो मिलेगा तुम्हें -3, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया 3 बजाओ 20, समझे? अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट ही करना है अपने को, खत्म हो गई बात, चलो शुरू करो, लगाओ फार्मूला। तो फॉर्मूला काम ये करेगा n = a + n - 1 × d और n की जगह -81 = पहला टर्म 21 + n - 1 कॉमन डिफरेंस आ गया इतना -3 बजाओ ताली। अब देखो 21 को उठा के यहाँ पटक दो, -81 - 21 = n - 1 × -3 अब माइनस में जोड़ दो ना, 1 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 8 = 10 = 102 आ गया, -102 = 2 क्या करेंगे, ये हो जाएगा n - 1, अच्छा -3 देखो माइनस माइनस कट जाएगा है ना, 3 से इसको डिवाइड करो तो 3 × 3 = 9 और 34 = n - 1 ये -1 को टांग के यहाँ पटक दो तो ये हो जाएगा 35 = n, यानी नंबर ऑफ टर्म जो है 35 आ गया सर, मेरी बात समझ में आई क्या? अब देखो इसका मेथड टू है ना, ये अपना मेथड 1 था, मेथड 2 क्या कहता है, अगेन nth टर्म निकालो, nth टर्म कितना होता है भैया, nth टर्म होता है कॉमन डिफरेंस के आगे n, कॉमन डिफरेंस -3 है तो -3 n, अब इसमें ऐसा क्या जोड़े घटाए जिससे अपने को पहला टर्म 21 मिल जाए, तो हो जाएगा 24, क्योंकि 24 में से 3 माइनस करने पे 21 आता है, 24 - 3 = 21 तो हो गया अपना काम, और ये -81 रख दो, -81 = 24 - 3 n, 24 को टांग के यहाँ भेजो तो -81 - 24 = -3 n, ये हो जाएगा 5 और 2 और 8
105 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से ही कट गया, आ गया 35 इज इक्वल टू एन। अब तुम्हें ये मेथड बड़ा इसलिए बड़ा नहीं लग रहा है, एक्चुअल में तुम बोलोगे सर सेम लंबाई है, तुम्हें समझाना है इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, वरना मेरे को चीजें ऐसे दिख रही है कि माइनस 81 इज इक्वल टू 24 माइनस 3 एन करना है, ऐसे आंसर आ जाएगा। मेथड टू आपको आसान पड़ेगा, बोर्ड में ये मेथड कर सकते हैं? नहीं, बोर्ड एग्जाम में नहीं कर सकते बेटा, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ना तुम्हें नंबर देख के सवाल करने होते हैं, कितने नंबर का सवाल पूछे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब मान लो तुमने सवाल पूछा तो 4 नंबर का, तुम एक लाइन आंसर करके आ रहे हो ना, थोड़ी तुम्हें नंबर देगा कोई, वहाँ तुम्हें पूरा करना पड़ता है इसीलिए, ठीक है ध्यान रखना। अब सवाल का दूसरा पार्ट, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो है, देखते हैं कैसे करेंगे कोई टर्म जीरो है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा लेट nth टर्म, अगेन सेम प्रोसीजर, nth टर्म बी जीरो, मान लिया तो भैया जी an की जगह लेंगे जीरो, पहला टर्म वही आ जाएगा आपका 21, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा माइनस 3 और n इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन मार्क करके बताना है, फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट से। तो यहाँ आ जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n पर रखेंगे जीरो, a का रखो 21 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस का 3, बजाओ भी 21 को टाइम के यहाँ फेंक दो तो ये हो जाएगा माइनस का 21 और n माइनस 1 ये आ गया माइनस का 3। देखो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत 21, यहाँ आ गया 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को यहाँ से उचका दो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा 8 इज इक्वल टू n। इसके लिए भी मेथड टू अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस अप्लाई करो तो nth टर्म इज इक्वल टू क्या बनेगा, यही वाला आ जाएगा 24 माइनस 3 एन, तो 24 माइनस 3 एन, अब ये 0 है तो 0 इज इक्वल टू 24 माइनस 3 एन, टाइम के यहाँ फेंक दो तो 24 इज इक्वल टू 3 एन आ गया, 3 वन जा 3 एट जा तो 8 इज इक्वल टू एन आ जाएगा, ये मेथड आपको ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, है ना। तो आपको समझ आ गया तरीका, तो ये टोटल हमने करे दो सवाल, इसी टाइप के सवाल आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। चलो करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5, सारे एग्जाम्पल तो ना करा पाऊँ मैं, देखते हैं एक बार में जितना आ जाए उतना कर लेंगे हम। डिटरमाइन द एपी हूज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9, ठीक है ये बढ़िया सवाल है, इसके लिए मैं आपको कॉमन डिफरेंस का एक नया फॉर्मूला भी डिराइव करके बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चंस करेंगे तब करेंगे अपन यार, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी सॉल्यूशन लिखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी, क्या बनाना है, एपी बनाना है सर, एपी कौन सा एपी, हुज हुज मतलब क्या होता है, जिसका, है ना, हुज थर्ड टर्म, हुज थर्ड टर्म, आई होप ये पार्ट विजिबल होगा कैमरे में, हुज थर्ड टर्म ऑफ द लिस्ट, कीप होपिंग सर, कीप होपिंग, आप उम्मीद करते रहो, हुज थर्ड टर्म, मैं भूल गया क्वेश्चन भूल गया मैं, हाँ हुज थर्ड टर्म इज 5, मुबारक हो, हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड और कौन सा टर्म बोला है, सेवेंथ टर्म इज 9, लिख दीजिए सेवेंथ टर्म इज 9। अब भैया बताना ये है कि एपी बताना है, एपी बना के बताना है, देखो इसके तरीके बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ, नेक्स्ट देखना ना कैसे करें, पहले तक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देख लो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो यहाँ काम आएगा, सबसे पहले डेरिवेशन बाद नहीं करता, पहले क्वेश्चन करूँगा मैं ना। तो थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म हमें लिया हुआ है कि ए थ्री की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है, और क्या गिवन है, सेवन्थ टर्म यानी ए सेवन की जो वैल्यू है हमारे पास 9 दे रखी है, ये चीज़ हमें गिवन है। अब क्या करेंगे सर, अब ये चीज़ तो गिवन है, स्टार्ट करते हैं, देखो तीसरा टर्म 5 है यानी ए प्लस, है ना, सेवन टर्म 9 है यानी ए प्लस 6d की जो वैल्यू है वो 9 आ रही है, तीसरा टर्म यानी a प्लस 2d की जो वैल्यू है वो 5 आ रही है, दोनों को माइनस कर देते हैं, टी 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 ये कट गया, 6 माइनस 2 आ गया 4d और 9 में से 5 गया भैया जी आएगा 4, 4 एकम 4, d इज इक्वल टू 1, पहला पार्ट समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस 1 को उठा के किसी इसमें रख देते हैं, इसमें ना हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि a प्लस 2d की वैल्यू 5 है, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह रख दो 1 इज इक्वल टू 5, तो ए प्लस 2 इज इक्वल टू 5, दो को उचका के यहाँ भेज दो, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी पहला टर्म आ गया 3, अब d आ गया a आ गया, अब क्या करेंगे, बहुत इजी हो गया, अब हमें क्या करना है, ap बनाना है। भैया जी ap क्या होता है, ap होता है a a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d
सो ऑन रख देना। देखो पहला टर्म तो आ जाएगा तुम्हारा तीन, फिर तीन प्लस है ना कॉमन डिवाइड बाय वन आ जाएगा चार, फिर टू वन जा टू ना तीन प्लस टू कितना पाँच आ जाएगा, तीन चार पाँच छः आ जाएगा, सो ऑन से कर देना, ईजी आ गया समझे। अब देखो मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बता रहा था, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस व्हेन टू टर्म्स ऑफ द एपी आर गिवन। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू राइट डाउन द हेडिंग एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और यू मे से एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पता है मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझे ड्रामा कंपनी में होना चाहिए था, जस्ट नॉट बिकॉज आई एम एक्टिंग गुड, जस्ट बिकॉज मैं ट्राई करता हूँ मल्टीपल लैंग्वेजेस की ना, मुझे सीखने की मतलब लैंग्वेजेस है ना, लैंग्वेजेस का पता नहीं है ना, मिमिक्री वगैरह करने की मेरे को थोड़ी बहुत हॉबी है, हॉबी मतलब पसंद आती है और क्या, तो दैट्स वाई आई एम जस्ट ट्राइंग। चलिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि किसी एपी का एमथ टर्म है, एमथ टर्म दिया हुआ है, तो मान लो भैया जी एंथ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस एम माइनस वन डी, और उसी ap का तुम्हें एंथ टर्म दिया हुआ है वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन डी। दो टर्म दिए हैं, एक m टर्म और एक n टर्म, क्या हो करेंगे दोनों को माइनस कर दो, खत्म करो है ना। देखो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ए एम माइनस ए एन इज इक्वल टू, देखो a से a कट जाएगा, इधर क्या बच रहा है एम माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी। अब यहां से अगर ए एम माइनस ए एन इज इक्वल टू, दोनों में से देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में डी कॉमन है, डी अगर मैं बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा एम माइनस वन माइनस एन और माइनस माइनस प्लस प्लस वन, देखो माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, तो यहां से मिलेगा ए एम माइनस ए एन इज इक्वल टू डी टाइम्स ऑफ एम माइनस एन। अब डी निकालना है तो यहां से ए एम माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन इज इक्वल टू डी आएगा। ये है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड फॉर्मूला टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब सर ये अप्लाई कैसे होगा, देखो बहुत आसान है, आसानी से आपको अप्लाई करके बताता हूं मैं अप्लाई कैसे करना है। इस चीज को अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली सिंपली ना रख दो ना यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। चलो आपको दिया था सातवां टर्म नाइन, और क्या दिया हुआ है तीसरा टर्म जो दिया है फाइव, तो रखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि डी इज इक्वल टू ए एम माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, तो डी इज इक्वल टू ए एम यानी ए सेवन माइनस ए थ्री डिवाइड बाई सेवन माइनस, ठीक है एम माइनस एन हो जाएगा सेवन माइनस थ्री, क्लियर। अब यहां पे d इज इक्वल टू ए सेवन की वैल्यू कितनी है नाइन और ए थ्री की वैल्यू कितनी है फाइव डिवाइडेड बाई सात माइनस तीन कितना होता है चार, तो d इज इक्वल टू चार बाई चार की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से वन आ जाएगी। आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा लंदी लग रहा है, बाकी ये d निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, मैं दिखाऊं कैसे करेंगे। देखो एक लाइन सात माइनस, देखो पहले नाइन माइनस फाइव करो, नाइन माइनस फाइव फोर और सेवन माइनस थ्री फोर, फोर बाई फोर वन आ गया। देखो पहले क्या करना है, बाहर वाले माइनस करो, नाइन माइनस फाइव फोर आ गया और सेवन माइनस थ्री ये भी फोर आ गया, फोर बाई फोर कितना होता है वन आ गया कॉमन डिफरेंस। बहुत बहुत आसान है, यहाँ पे देखो नौ में से पांच घटाओ चार और सात में से तीन घटाओ चार, चार बाई चार वन आ गया, वन आ गया, फिर ए तुम निकाल लोगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है अपना पांचवा एग्जाम्पल था और ये था उसका मेथड नंबर टू। सेकेंड मेथड, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके, मैं आपको छठा सवाल कराऊंगा, अच्छा कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं आप, नहीं नहीं मैं कराऊंगा ठीक है, छठा सवाल भी कराऊंगा। तो चलिए सेकंड सिक्स क्वेश्चन नंबर, नहीं काम करते रहते तो मिटाना पड़ेगा ना, चेक करना है 301 इसका एक टर्म है कि नहीं, देखो तो बता दे रहा हूँ बहुत ईजी है ठीक है, इसका पार्ट टू भी अपने तो मैं लेके आ जाऊंगा पार्ट टू ना, एग्जाम्पल नंबर छः सात आठ है ना, ये सब मैं करवा दूंगा है ना, छः सात आठ ठीक है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना रखते हैं ना, बोर्ड वगैरह बहुत मिटाना पड़ेगा, वैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा समय हो गया, 3:35 हो चुका है अभी एग्जैक्ट टाइम ना, एग्जैक्ट 3:36 बहुत, तो अभी जो है सोने का समय हो चुका है, तो आज हम यहीं पे अलविदा करेंगे, अलविदा मतलब मिलेंगे दोबारा मिलेंगे ना ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं ठीक है।
आप लोग जो है आप लोग उम्मीद करो कि आप सभी चीज़ों के नोट्स बनाएंगे, अच्छे से नोट डाउन करेंगे, चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, लेक्चर देखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सबकी बात सुनेंगे और अच्छे 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 मार्क्स लेके आएंगे। क्लियर है क्या? चलो तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही करने वाले हैं। टिल दैट आप जो है अपना काम करना और अपन अपना काम कंटिन्यू रखेंगे यार, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम, है ना? बाय।